गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका इंग्लिश ट्यूटोरियल आशीष सर पर। मेरा नाम है आशीष और हम बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल बीइंग प्रिपेयर्ड के बारे में। तो हमेशा की तरह वोकैबुलरी वर्ड्स आपको नोट करते चलना है, लाइक करते चलना है, शेयर करते चलना है। पहली बार ये सेशन देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक करें और आगे आने वाले वीडियोज़ को इंजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बींग प्रिपेयर्ड विषयक ये एडिटोरियल में पढ़ना है। तो देखिए, तैयार रहना, इसका क्या मायना है वो बता रखा है इसमें। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स मस्ट कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन रिसीलियंस अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट तटीय जो जिले हैं, समुद्र तट के नजदीक के जो जिले हैं, मस्ट कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन, उनको स्ट्रेंथन करना जारी रखना चाहिए। रिसीलियंस, रिसीलियंस एक्चुअली एक ऐसा एक क्वालिटी कह सकते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में लौटा देता है। द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप कह सकते हो, द एबिलिटी टू बिकम स्ट्रांग और हेल्दी कह सकते हो, है ना। तो स्ट्रांग बनने की योग्यता है या वापस से उसी फॉर्म में आने की योग्यता है, उसे रिसीलियंस कहते हैं। तो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए कि वो स्ट्रेंथन करे अपने इस एबिलिटी को कि वापस से उसी शेप में आ जाए, अपने आप को स्ट्रांग बनाता चले अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और ये किसके खिलाफ, जो उग्र मौसमीय घटनाएं हैं जैसे साइक्लोन है, हरिकेन है, इन सब के खिलाफ। तमिलनाडु वॉज मोर प्रिपेयर्ड देन बिफोर, तमिलनाडु पहले की तुलना में अधिक तैयार था टू डील विद साइक्लोन गाजा। देखिए, डील के साथ में दो प्रिपरेशन लगते हैं, यदि इन लगता है तो उसमें उसका मतलब होता है कि आप उस चीज का व्यापार करते हैं, आप किसी के साथ डील करते हैं, कोई व्यक्ति के साथ डील करते हैं तो विद लगता है। साथ ही देखिए, यहां पे हैंडल करने की बात है तो यहां पे भी डील के साथ में विद लगा हुआ है। तो तमिलनाडु पहले की तुलना में अधिक तैयार था साइक्लोन गाजा से निपटने के लिए। व्हेन इट मेड लैंडफॉल बिटवीन नागापट्टिनम एंड वेडारायनम ऑन नवंबर 16, बट इट स्टिल लुक्स टुक अ टॉल ऑफ एटलीस्ट 25 लाइव्स। तो तैयार था ये साइक्लोन गाजा से निपटने के लिए। व्हेन इट मेड लैंडफॉल, लैंडफॉल का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर हरिकेन या साइक्लोन रीच हुआ था। द पॉइंट एट विच अ हरिकेन और साइक्लोन और सिमिलर स्टॉर्म रीचेज लैंड आफ्टर ए सी वॉयज, ये इस स्थान पर हिट किया था साइक्लोन ने। नागापट्टिनम था, वेडारायनम था, ये नवंबर 16 की घटना है। लेकिन फिर भी देखिए, 45 लाइव्स तो कम से कम ये नुकसान उठाना ही पड़ा, 45 जिंदगियां लील गया ये तूफान, ये चक्रवात। साइक्लोन का चक्रवात होता है। द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो गंभीर चक्रवातीय तूफान था उसने पूरा जो ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको डैमेज करके रख दिया। प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी को और एग्रीकल्चर को डैमेज कर दिया। इवन सो, इस मतलब इवन का मतलब भी होता है, सो का मतलब इसलिए है, फिर भी। द एफर्ट टू प्रोफेशनलाइज डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू ए डेडिकेटेड नेशनल एंड स्टेज ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड मोर देन 15 ईयर्स एगो appears to be paying off. Pay off का मतलब होता है सफल होना, pay off का मतलब है be successful, be effective और get results. तो efforts जो हैं, इस प्रकार से देखिए क्या है, जो efforts हैं professionalize करने का, professionalize किसको करना है, disaster management को, और कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं dedicated national और state organization के द्वारा। तो समर्पित राष्ट्रीय और राज्य के जो संगठन हैं उनके द्वारा जो प्रयास किया गया है प्रोफेशनलाइज करने का डिजास्टर मैनेजमेंट को, जो 15 साल पहले प्रारंभ हुआ था, इनिशिएट हुआ था, मतलब शुरू हुआ था, अब ऐसा दिख रहा है कि ये सफल हो रहा है, प्रभाव डाल रहा है। विद ब्यूरोक्रेसीज एक्वायरिंग हायर एफिशिएंसी इन प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कह सकते हैं, तो प्रशासन जो है वह भी अधिक सक्षम हो चला है इन प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग, कि ये चेतावनी जो होती है मौसम संबंधी मान लीजिए पहले ही जारी कर देता है। एंड इन मिटिगेटिंग, मिटिगेट का मतलब होता है कम होना, एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स, और चक्रवात का जो असर है वो कम कर देता है। द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ये तो पूरा नाम ही है, तो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब घरेलू जो विषय होते हैं उनके मंत्रालयों द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, हैज बीन वर्किंग टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ सच कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है विनाशकारी, वो काम कर रहा है किस लिए, इस प्रकार के विनाशकारी घटनाओं का असर कम करने के लिए ऑन आंध्र प्रदेश। इंपैक्ट जो होता है इसका मतलब प्रभाव है, इंपैक्ट के साथ ऑन लगता है, इन्फ्लुएंस के साथ ऑन लगता है, इफेक्ट के साथ ऑन लगता है, लेकिन अफेक्ट अगर होता है जो वर्ब होती है उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। तो इवेंट्स ऑन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड गुजरात, इन इन क्षेत्रों में,
और ये कैसे क्लासिफाई किए गए हैं, इन स्टेट्स को क्लासिफाई किया गया है विद हायर वल्नरेबिलिटी, क्योंकि ये वो राज्य हैं जो बहुत अधिक सेंसिटिव हैं, कमजोर हैं, इन पर इनका असर जल्दी पड़ता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब कमजोरी कह सकते हो, वीकनेस, जो कि इजी टू अटैक है, इजी टू बी अटैक, इसको बोलते हैं वल्नरेबल। मोस्ट वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स, अधिकांश पश्चिमी तटीय राज्य जो हैं आर इन द नेक्स्ट कैटेगरी, वो अगली ही कैटेगरी में है। हाउएवर फिर भी देयर इज अ लॉट टू बी डन, अभी बहुत कुछ किया जाना है टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए एंड हाउसिंग इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, और जो तटीय इलाके हैं वहां पर हाउसिंग को अपग्रेड करने के लिए, टू मीट हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ रिसिलियंस, ताकि ये रिसिलियंस का जो उच्च मापदंड है उसको पूरा कर सके। रिसिलियंस बताया था मैंने, एबिलिटी होती है पुराने शेप में वापस आने की या अपने स्ट्रांग बनने की। इन एन एरा ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उस समय, उस युग में, एरा का मतलब युग है, जहां उग्र मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं। द लीड टेकन बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो लीड ली गई है, जो काम शुरू किया गया है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इन इश्यूइंग अ स्ट्रीम ऑफ अलर्ट्स, कि ये अलर्ट्स इश्यू करते हैं, स्ट्रीम का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, सीरीज, एक श्रृंखला, अलर्ट्स की श्रृंखला इश्यू करते हैं अहेड ऑफ गाजा, जो इन्होंने पहले ही गाजा जो साइक्लोन आया था उससे पहले दी थी। इससे सहायता मिली कोस्टल रेजिडेंट्स को, जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, कि मूव टू कैंप्स एंड अडॉप्ट सेफ्टी मेजर्स, कि वो कैंप में चले गए और उन्होंने जो सुरक्षा संबंधी कदम थे उन्होंने उठाए। द एक्टिव मेजर्स टेकन बाय द स्टेट आफ्टर द साइक्लोन, सक्रिय कदम जो उठाए गए किसके द्वारा, राज्य के द्वारा साइक्लोन के बाद, चक्रवात के बाद। नोटेबली का मतलब होता है मुख्यतया, मुख्यतया टू क्लियर रोड्स, इन्होंने क्या किया, रोड्स को साफ करवाया, रिमूव फॉलन ट्रीज, जो पेड़ गिर गए थे उनको हटाया, एंड रिपेयर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशंस, और जो बिजली संबंधी समस्याएं थी, कम्युनिकेशन, टेलीफोन लाइन बाधित हो गई थी, उनको सुधराया, रिपेयर करवाया, हेल्प रिस्टोर सम स्टेबिलिटी, इस कारण से कुछ स्थिरता आ सकी। इन इट्स डिस्ट्रक्टिव एग्जिट पाथ, जब साइक्लोन एग्जिट हुआ तो इसका जो विनाशकारी असर था, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, द साइक्लोन हैज अफेक्टेड सम सदर्न डिस्ट्रिक्ट, तो इसका में, इस एग्जिट में भी इसने किया क्या, कुछ दक्षिणी जिलों को प्रभावित किया। फेलिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, इसमें इन्होंने 10,000 के करीब पेड़ इससे गिर गए। फेल जो है वो, देखिए फॉल और फेल में डिफरेंस होता है, फेल का मतलब होता है गिराना, जबकि फॉल जो शब्द है इसका मतलब होता है गिरना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो फेलिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, इसने 10,000 के करीब पेड़ गिरा दिए, एंड ऑल्सो 30,000 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, और 30,000 के करीब इलेक्ट्रिसिटी पोल गिरा दिए अलोंग द कोस्ट, जो कोस्ट के सहारे सहारे बने हुए थे। इट ऑल्सो हिट रेजिडेंट्स इन सम सेंट्रल केरला डिस्ट्रिक्ट, इसने साथ ही जो रेजिडेंट्स थे उनको भी असर प्रभावित किया, उनको भी इन्होंने हिट किया, जो कुछ सेंट्रल केरला डिस्ट्रिक्ट थे वहां के रेजिडेंट्स को। तमिलनाडु पॉलिटिकल पार्टीज हैव एक्टेड इन मैच्योर मैनर, तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने परिपक्वता से काम लिया है। एंड कैप्ट पार्टीशन क्रिटिसिज्म फ्रॉम गेटिंग इन द वे ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन आफ्टर गाजा। कैप्ट फ्रॉम जो होता है, की फ्रॉम का मतलब दूर रहना, और पार्टीशन से दूर रहे, पार्टीशन मतलब समर्थन है, कट्टरता है, किसी एक ही विशेष पार्टी को सपोर्ट करना, किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करना, तो पार्टीशन कहलाता है। एंड कैप्ट पार्टीशन क्रिटिसिज्म फ्रॉम, और इन्होंने आलोचनाओं से दूर रहे हैं, गेटिंग इन द वे ऑफ रिलीफ, जो कि रिलीफ, जब देखिए साइक्लोन आया है, भूकंप आता है, तो उसके बाद में राहत कार्य चालू करते हैं, तो ये वो वे ऑफ रिलीफ है। रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की बात करते हैं, तो पुनर्वास और रिलीफ के लिए जो भी बंद पड़ा इनसे उन्होंने किया। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू सम अर्लियर इंस्टेंसेज, लेकिन ये पहले वाले जो उदाहरण थे, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण होता है, उनसे बिल्कुल विपरीत था, कंट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत। सच एज द चेन्नई फ्लड ऑफ 2015, जैसे 2015 में चेन्नई में बाढ़ आई थी, वेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ बिकेम पॉलिटिसाइज, उस समय जब राहत कार्य किए गए थे उनको भी राजनीतिकरण किया गया, उस पर भी राजनीति के वसीभूत होकर कुछ बयान वगैरह दिए गए। टुडे इफ एनी प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट मशीन नेसेसरी, आज अगर कोई भी दबाव अगर आवश्यक है गवर्नमेंट मशीनरी पर, तो वो ये है कि इट इज टू सिक्योर विदाउट डिले द फाइनेंशियल रिलीफ फॉर 10 लाख, कि बिना किसी देरी के 10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाए। दैट हैज बीन प्रॉमिस्ड फॉर फैमिलीज ऑफ द डेड, जो मृत व्यक्ति के परिवार के लिए प्रॉमिस किया गया था। कंपनसेशन फॉर लॉस्ट क्रॉप्स, जो फसलें खराब हुई उनका मुआवजा दिया जाए। ट्रीज एंड लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब पशुधन होता है, पशुओं के लिए यूज करते हैं, पेड़ों के लिए और पशुधन जो नष्ट हुआ है उसके लिए। प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी हेल्थ इंटरवेंशन, प्रोविजन का सप्लाई होता है, इमरजेंसी हेल्थ इंटरवेंशन जो है, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप होता है वैसे, तो इमरजेंसी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सप्लाई की जाएं, एंड रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास का असिस्टेंस दिया जाए।
टू रीबिल्ड लाइफ ताकि जीवन फिर से पटरी पर आ सके. द लार्जर क्वेश्चन ऑफ कोर्स इज वेदर द कोस्टल स्टेट्स हैव इक्विप्ड देमसेल्फ फॉर एन इवन बिगर इवेंट. अब बड़ा प्रश्न अभी ये उठता है कि क्या जो तटीय राज्य हैं उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है, इक्विप्ड दे रखा है. देखिए इक्विप्ड वैसे सुसज्जित को बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या वो लैस हैं उन सभी चीज़ों से कि वो किसी बड़े इवेंट को झेल जाएंगे, कुछ ऐसी घटना बड़ी, इससे बड़ी घटनाएं झेल जाएंगे, सच एज द सुपर साइक्लोन दैट हिट ओडिशा 1999. जैसे कि सुपर साइक्लोन आया था ओडिशा में 1999 में, दैट किल्ड अबाउट 10,000 पीपल, जिसने लगभग 10,000 लोग मार दिए थे, इवन विद फार फ्यूअर कैजुअलिटीज. यहां तक कि इससे बहुत कम जो कैजुअलिटीज आपदाएं हुई थी, कैजुअलिटी का मतलब विक्टिम फैटलिटी, डेड एंड इंजर्ड कह सकते हो, तो ये कुछ विभीषिकाएं हुई थी, इससे कम, बहुत कम, फार फिर मतलब बहुत कम. साइक्लोन फैलिन 2013 में साइक्लोन फैलिन जो है रिक्वायर्ड रिकंस्ट्रक्शन एस्टिमेटेड एट $1.5 बिलियन. इससे जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए $1.5 बिलियन लगाना पड़ा था. इंडियाज कोस्ट लाइन एक्सपीरियंसिस लोअर फ्रिक्वेंसी ट्रॉपिकल साइक्लोन. भारत का जो कोस्ट लाइन है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी यहां कम रहती है कंपेयर टू मैनी अदर रीजन, बाकी क्षेत्रों की तुलना में, बट द लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन इज मच हायर. लेकिन यहां जो जीवन की हानि होती है, विनाश होता है, वो बहुत ज्यादा रहता है. कोस्टल स्टेट्स मस्ट देयरफॉर फोकस ऑन रिड्यूसिंग द हैजार्ड. हैजार्ड का मतलब खतरा होता है. तटीय राज्यों को इसलिए क्या करना चाहिए, इनको फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए कि खतरों को कम करें थ्रू पॉलिसीज, नीतियों के द्वारा, दैट एक्सपेंड रेजिडेंट रिसिलियंट हाउसिंग. जैसे कि जो पॉलिसीज एक्सपेंड करती है, विस्तार देती है रिसिलियंट हाउसिंग को, मतलब ऐसी टफ हाउसिंग एकदम हो, स्ट्रेंथेंड हो. बिल्ड बेटर स्टॉर्म शेल्टर, जो भी शेल्टर हों जहाँ पे भी शरण लेते हैं लोग, उसका मतलब अच्छे तरीके से निर्माण किया जाए. एंड क्रिएट फाइनेंशियल मैकेनिज्म और वित्तीय सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग किया जाए फॉर इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन, जैसे कि बीमा है, मुआवजा है, इन सब चीज़ों को एकदम सही किया जाए. तो 19th of November का डिस्कस हमने किया है, कल बातचीत करेंगे हम 20th of November की. ओके, बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन.